डार्क वेब, हो सकता है इसके बारे में आपको ज्यादा ना पता हो, लेकिन सुना तो जरूर होगा कि डार्क वेब पे कैसी कैसी एक्टिविटीज होती हैं। किसी को मारना, टॉर्चर करना, किसी को हैक करना, धमकी देना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, स्पेशली इलीगल एक्टिविटीज। लेकिन इन्हीं सब के चलते क्या आपको पता है कि डार्क वेब पे आप किसी हैकर को भी हायर कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। और इस तरह के काम कोई एक, दो या सौ हैकर नहीं करते, बल्कि ये पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसके बारे में मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। एंड आई वांट टू से समथिंग फर्स्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस, दैट्स इट। देखो, रेंट पे हैकर को हायर करने के लिए ये प्रोसीजर होता कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी और का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करवाना है। अब आप उस अकाउंट को क्यों हैक कराना चाहते हैं, वो सही है, गलत है, उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, उस बारे में हम नहीं जाएंगे। तो डार्क वेब पे आपको बहुत सारे ऐसे हैकर मिल जाएंगे जिनको आप हायर कर सकते हैं। बकायदा उनका बायोडेटा लिखा हो सकता है, एज यू कैन सी। और जैसे ही आप उस हैकर को किसी थर्ड पर्सन का अकाउंट या फिर उसका यूजर नेम देते हैं कि इस अकाउंट को मैं हैक कराना चाहता हूँ, तो सरप्राइजिंग बात यह है कि सबसे पहले वो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेगा। वो आपसे कुछ टाइम लेगा, मे बी एक हफ्ता, दस दिन, दो हफ्ते, और उसके बाद वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा स्क्रीनशॉट्स के साथ। जी हाँ, उस थर्ड पर्सन के अकाउंट में जो भी चैट्स हैं, अगर आपके साथ उनकी चैट है या फिर किसी और के साथ इनबॉक्स की, तो उनके स्क्रीनशॉट वो लेके आपके पास सेंड करेगा, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उसने अकाउंट को हैक कर लिया है। देन ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये चीज देखते ही कंफर्म हो जाएगी। एंड मे बी बहुत सारे केसेस में तो वो उसका यूजर नेम और पासवर्ड तक भी आपको दे देंगे, जिसके बाद वो आपसे पेमेंट के बारे में बोलेगा। इट मे बी $200, $500 और $5,000। ये डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम लगा या फिर उसने कितनी मेहनत की है। और ये प्रूव करने के बाद अब वो आपसे पैसे लेगा क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइंस में, नोट इन कैश और बैंक ट्रांसफर वगैरह, ताकि उनको ट्रैक करना पॉसिबल ना हो। असल में तो डार्क वेब पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी पेमेंट्स होती हैं, वो मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज में ही होती हैं। तो ऐसे ऐसे काम होते हैं डार्क वेब पे। और एक कमाल की बात बताता हूँ कि जैसे ही वो आपको स्क्रीनशॉट्स या फिर उस अकाउंट का एक्सेस देगा, उसके बाद वो आपको फीडबैक के लिए बोलेगा कि सर आपको मेरी सर्विस कैसी लगी। वाओ। एंड वो बोलेगा कि सर अगर मेरी सर्विस आपको अच्छी लगी है, देन आप इसे रेफरल कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के पास। एंड ऐसा करने से नेक्स्ट टाइम आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इस बात से समझा जा सकता है कि ये सिर्फ कोई इंडिविजुअल्स नहीं कर रहे, बल्कि ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। मे बी आपके साथ, आपके आसपास अभी कोई ऐसा केस ना हुआ हो, बट कभी भी ऐसा हो सकता है। और फ्यूचर में तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो अपने मोबाइल, पीसी, टैबलेट, सोशल मीडिया पे जितना आप एंजॉय करते हैं, चीजों को सीखते हैं, उसके साथ साथ प्रिवेसी का भी ध्यान रखें। और प्रिवेसी को लेके मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट हैक ना हो, सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बल्कि कोई भी ऑनलाइन अकाउंट, जीमेल वगैरह कुछ भी, तो हमेशा अपने अकाउंट पे 2-step वेरिफिकेशन को जरूर से ऑन रखें। बिकॉज 90% चांस कम हो जाते हैं आपके अकाउंट्स के हैक होने के, अगर आपने 2-step वेरिफिकेशन को ऑन कर रखा है, इनेबल कर रखा है। एंड अगर आप चाहते हैं कि प्रिवेसी से रिलेटेड मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर से लेके आऊंगा। पसंद आए तो लाइक करिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।